इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एरिया एरिया किसे कहते हैं किसी भी शेप के अंदर जितनी जगह होती है उसे एरिया कहा जाता है जैसे मिसाल के तौर पर हमारे सामने ये रेक्टेंगल है तो इसके अंदर इसने ये जितनी जगह ली हुई है जितनी स्पेस है ये सारा इसका एरिया होगा तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी शेप का एरिया किस तरह से मेजर कर सकते हैं या किस तरह से एरिया की पैमाइश कर सकते हैं तो अगर हम हमें इस तरह की एक शेप दी जाए और हमने देखना हो कि इसका एरिया कितना है तो इसके एरिया को मैयर करने के लिए हम इस तरह के छोटे ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि इस शेप के अंदर इस तरह के कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं ये जो छोटा ब्लॉक है ये बराबर होता है वन स्क्वेर यूनिट के और यूनिट की जगह पर कोई भी यूनिट आ सकता है मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम यूनिट लेते हैं इंचिस तो इस तरह से हम वन स्क्वायर इंचज़ के ब्लॉक्स को इस बड़ी शेप के अंदर रखते जाएंगे तो मिसाल के तौर पर इस तरह से हम इन ब्लॉक को यहाँ पर इस शेप के अंदर इस तरह से रखेंगे उसके बाद दूसरा ब्लॉक रखना है तो हमने ब्लॉक्स इस तरह से रखने हैं कि ये ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर भी ना आए और एक इनके दरम्यान में कोई गैप भी ना हो बिल्कुल इस तरह से इन्हें जोड़ कर रखना है तो अब देखते हैं कि इस शेप के अंदर कितने ब्लॉक्स आते हैं तो दो ब्लॉक्स हमने रख दिए हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन इसके अंदर कितने ब्लॉक्स आए हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं एटीन तो एरिया क्या होता है किसी भी शेप के अंदर जितनी जगह होती है उसे एरिया कहा जाता है और यहाँ पर इन ब्लॉक्स की मदद से हम देखते हैं कि इस शेप के अंदर कितने ब्लॉक्स आएंगे तो इसके अंदर 18 ब्लॉक्स हैं तो इसका एरिया क्या होगा हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एक ब्लॉक है एक ब्लॉक बराबर है वन स्क्वेर इंचज के तो इसका एरिया आ जाएगा एटीन वन जार एटीन तो इसका एरिया आ जाएगा 18 स्क्वायर इंचेस के तो इसके अंदर 18 ब्लॉक्स आए थे और हर ब्लॉक बराबर है वन स्क्वायर इंचेस के तो इसका एरिया होगा 18 स्क्वायर इंचेस तो इस तरह से हम किसी भी शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं अब हमें इस तरह की एक शेप दी गई है ये भी एक रिक्टेंगल है और अब हमने इसका एरिया मेजर करना है इसी तरह के छोटे ब्लॉक्स यूज करेंगे और यहाँ पर अब एक ब्लॉक बराबर है वन स्क्वायर फीट के तो अब देखते हैं कि इसके अंदर वन स्क्वायर फीट के कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो इसके अंदर कितने ब्लॉक्स आए हैं ट्वेल्व तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स तो इसके अंदर आए हैं ट्वेल्व ब्लॉक्स और इसका एरिया क्या होगा हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स यानी ट्वेल्व को मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एक ब्लॉक है एक ब्लॉक है वन स्क्वेयर फीट के तो यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा ट्वेल्व वन जर ट्वेल्व ट्वेल्व को वन से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व आ गया और साथ इसके यूनिट आ जाएगा तो 12 स्क्वायर फीट इसका एरिया होगा ये जो रिक्टेंगल है इसके अंदर 12 ब्लॉक्स आए थे और हर ब्लॉक है वन स्क्वायर फीट के बराबर इसका मतलब है कि इसका एरिया होगा 12 स्क्वायर फीट अब हमें इस तरह की शेप दी गई है और इससे भी हम इस तरह के यूनिट स्क्स को इस्तेमाल करते हुए इसका एरिया मेजर करेंगे अब यहाँ पर एक यूनिट स्केयर बराबर है थ्री स्क्वेयर इंचिस के इंच को शॉर्ट फॉर्म में आई एन लिखा जाता है अब हम देखते हैं कि इस शेप के अंदर थ्री स्क्वेयर इंचज़ के कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आए हैं ट्वेंटी वन ब्लॉक्स हैं तो इसका मतलब है कि इसका एरिया क्या होगा ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय एक ब्लॉक जितना है थ्री स्क्वेर इंचेस इसका एरिया क्या होगा 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री वन जार थ्री थ्री टू सिक्स तो सिक्सटी थ्री इंचेस इंचज इस ब्लॉक का इस शेप का एरिया है तो एरिया वो होता है जो किसी भी शेप ने जगह ली हुई होती है और इसकी जगह को हम मेजर कर रहे हैं इस तरह के ब्लॉक्स की मदद से एक ब्लॉक बराबर है थ्री स्क्यर इंचज़ के तो इसके अंदर कितने ब्लॉक्स आए हैं ट्वेंटी वन तो इसका मतलब है कि इसका एरिया होगा ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वेयर इंचज तो इसका एरिया आ गया सिक्सटी थ्री स्क्वेयर इंचिस एक और शेप देखते हैं अब इस शेप का हमने एरिया मेजर करना है इस तरह के ब्लॉक्स की मदद से और एक ब्लॉक है टेन स्क्वेयर फीट का तो अब इसके अंदर हम ब्लॉक्स रखते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स हैं नाइन तो इसका एरिया क्या होगा नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे जितना एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक है टेन स्क्वायर फीट का तो ये क्या आ जाएगा एरिया नाइन टेन जार नाइन्टी तो इस शेप का एरिया कितना है नाइन्टी स्क्वायर फीट तो इस तरह से हम किसी भी शेप का एरिया इस तरह के ब्लॉक्स की मदद से मेजर कर सकते हैं आज हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ एरिया